फ्राम रोपल वैली। आज हमारा टूर का है डे टू और इस टाइम हम हैं फिशिंग में और सुबह के आई थिंक 8 बज रहे हैं। अभी हमारा प्लान ये है कि हमने करना है नाश्ता और उसके बाद इंशाल्लाह हम निकलेंगे बेस कैंप के लिए और शायद रोपल वैली भी जाएं। तो पहले हम करेंगे नाश्ता, इंशाल्लाह फिर निकलेंगे हम रोपल वैली के लिए। दरख्त और दरख्त के पीछे नागा पर्वत, बहुत ही प्यारा सुबह की सनशाइन है और हम नाश्ते का वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज अली भाई हमें लेके जाएंगे पहले रूपल वैली, वहाँ से हम इंशाल्लाह आगे ट्रैक करते हुए जाएंगे नागा पर्वत की बेस कैंप। तो उम्मीद है आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा और फुल ऑफ एडवेंचर और नेचर को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिशान फ्रॉम फिशिंग वैली और आज का हमारा टूर है टूवर्ड्स रूपल वैली 1 और रूपल वैली 2 एंड देन विल मूव टूवर्ड्स नंगा पर्वत बेस कैंप पे। फिशिंग फिशिंग बेस कैंप रूपल अपर रूपल बजीन लेक कैंप 2 कैंप 3 कैंप 4 मजीनो पास। आज हमारा टूर का डे 2 है और अभी हम जा रहे हैं रूपल 1 और रूपल 2 और हमने स्टार्ट किया है, देखते हैं हमें आगे ट्रैक कैसा मिलता है। कुछ दो चढ़ाइयाँ मुश्किल हैं जहाँ पे थोड़ा सा जोर लगता है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। इधर को जाना है लेफ्ट राइट। अस्सलाम वालेकुम, बेस कैंप कौन सी साइड पे है, रूपल कौन सी साइड पे है? बेस कैंप रूपल का ये रोड ये किधर जा रहा है? ये वाला उधर आ गया है। शुक्रिया। ट्राई क्या करें अभी, हाँ
अब कुछ स्वागत करना इजी है जान दें। ऊपर रखते तो सीधा निकल जाना था। ये तो कुछ नहीं है, ये तो आराम से हो जाएगा। उठा डॉक्टर, काफ़ी मुश्किल पोर्शन क्रॉस करने के बाद फाइनली हम दोबारा ट्रैक पे हैं। ऑन वे टू हैं रूपल बेस कैंप। दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आगे हमें कोई मुश्किल पेश ना आए और हम खैरियत से बेस कैंप तक पहुंच जाएं। बारिश का खतरा आया कहीं से। राइट पे कर, राइट पे। चल बस पीछे आप। एक बट्टा इधर रख, सीधे वाला, ये नहीं पड़ा हुआ पानी वाला। दूसरा गियर है तेरा, निकाल। चलते हैं पीछे, दोस्तों को साथ लेते हैं, इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे। चल भाई चल,
हम फाइनली पहुंच गए बेस कैंप पर, और काफ़ी मुश्किल ट्रैक था जो कि आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। और उसके बाद हम इस पॉइंट पर पहुंचे, वो मेरे बैक साइड पे है नांगा पर्वत, और यहाँ पे कुछ कब्रें हैं, पता नहीं किसकी हैं। आए चेक करते हैं किसकी कब्रें हैं। ये बेस कैंप है और जो सीनरी है, ये जितनी भी ख्वारी हमने की, इट्स वर्थ इट। अब देखें कितना प्यारा व्यू, अभी बादल पहले हटे थे, आपको क्लियर सारा समिट नज़र आता है यहाँ पे। तो ख्वारी है बहुत ज़्यादा बाइकर्स के लिए, बट इन द एंड आपको जो है ना व्यू बहुत प्यारा मिलता है, सुकून की जगह है यहाँ पे। आजकल कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स ऑफ हैं, तो बिल्कुल रश नहीं है, कोई फॉरनर कोई कैंप कुछ भी नहीं, तो आप यहाँ सुकून से अपना नाइट स्टे कर सकते हैं, अपना किचन वगैरह लेके हैं। बहुत बहुत प्यारी जगह है। हमने खूब इंजॉय किया, खूब पिक्चर्स ली हैं, और अभी हमारा प्लान ये है कि हम वापस जाएंगे रूपल। हम जा रहे हैं जोसाई, हमारा फर्स्ट स्टॉप है शोसर लेक, और काफ़ी हमने इंजॉय किया है बाकी एरियाज़ को जो कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा। और अभी हम जा रहे हैं शोसर लेक की तरफ, ये चेक करें। इनकी शक्ल रशियन वाले से मिलती है। रशियन से? हाँ। वो क्यों? रशिया का बॉर्डर लगता है यहाँ पे इसलिए। अच्छा, किस साइड पे? पता नहीं, लगता है उधर आसपास को। अच्छा। चले आओ जोसाई की कसम, तुम चले आओ जोसाई की कसम, हम तुम्हारे। काफ़ी खूबसूरत गांव है और वैली काफ़ी खूबसूरत है। फिलहाल 10 किलोमीटर रह गए यहाँ से, कुछ बकरियाँ वापस जा रही हैं, जो साई से घूम फिर कर आई हैं, थोड़ी सी थकी हुई हैं।
और अस्सलाम वालेकुम दुम्बे भाग रहे हैं। टूर का सबसे बेस्ट सीन बन गया ये वाला ज़बरदस्त, पर काफ़ी अच्छा गुजरा आज का फिल्म तक का। स्टार्ट ऑफ देवसाई चेक पोस्ट और ये है देवसाई का एंट्री पॉइंट। यहाँ पे आपको देवसाई नेशनल पार्क की जो उन्होंने फीस मुकर्रर की है वो पे करनी पड़ती है और इसके बाद हम जो साई में एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम हैं शोसर लेक पे और हमने अपना लगाया है कैंप और कैंपिंग के यहाँ पे चार्जेस हैं 500। और हमने आज सफ़र स्टार्ट किया था रूपल वैली से, काफ़ी मज़े का ट्रैक था। रास्ते में हम चिल्लम से होते हुए देवसाई पहुँचे और ये हैं मेरे पार्टनर्स। आज बड़ा मज़े का सफ़र था, रोड बहुत आसान थी क्योंकि हम नंगा पर्वत बेस कैंप किए थे, बहुत ऑफ रोड। तो आज हम सफ़र किया मज़े का, थोड़े थके हुए थे सुबह क्यों हम नंगा पर्वत गए हुए थे। आज हमने खुद बुकिंग नहीं की तो हमने सामने होटल आप देख सकते हैं एग फ्राइड राइस भी उनके पास हैं तो वो भी तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह हम खाएंगे। ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ बाइक पे और काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। बीच में जो वैलीज आई थी रास्ते में वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत इंजॉय किया मैंने। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।